us about your character you are playing in the movie. The character is all about, you know, the very innocent girl next door and namaste bhaiya and you know, ladke propose karte to wo ghubra jati hai. Sheetal hai character ka naam aur teen ladke hain jo decide karte hain ki ab bahut masti kar li, ab ek ladki dhoondte hain, settle hote hain. To coincidence ye hota hai ki teenon ko ek hi pasand aa jati hai, lekin ladki kisko pasand karti hai wo film mein pata chalega. To abhi main itna hi bataungi film ke bare mein. ओके तो ये मूवी में धर्मेश सर है, राघव है, पुनीत है और ये प्रोड्यूस किया गया है रेमो डिसूज़ा. तो कैसा एक्सपीरियंस यार सभी के साथ? एक्सपीरियंस बहुत बहुत बढ़िया रहा क्योंकि हम लोगों ने इतनी मस्ती की है शूट करते टाइम. हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे एंड रेमो सर इज़ अ स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर मेट एंड पूरी टीम बहुत अच्छी थी. मतलब उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया है, बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं कोई न्यू कमर हूँ एंड मुझे लगता है कि वो चीज़ सबसे बेस्ट थी. सो आपकी कोई क्या प्रैंक प्ले किया गया क्योंकि एज अ योर डेब्यू और ये बहुत ही टाइम से है और पुनीत जी भी बहुत और राघव जी बहुत टाइम जाने जाते के बहुत मस्ती करते सेट पे, तो कोई प्रैंक आपके साथ किया गया ऐसा कुछ? हाँ, एक दो प्रैंक किए थे इन लोगों ने कि एकदम पुनीत सीरियसली गुस्सा हो गया था एंड मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है एंड एकदम मेरे पे, और मैं ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी और मैं शायद थोड़ा बहुत रो भी दी थी. लेकिन नहीं, हम मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो हुआ है मेरे साथ थोड़ा. ओके, आप मूवी में बहुत ही एकदम इमोशनल और सॉफ्ट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पर निजी जिंदगी में आप कैसे? क्योंकि हमने सुना है कि निजी जिंदगी बहुत ही हटकर. हाँ, मैं हटके हूँ, मैं बहुत शैतान हूँ और शैतान मुझे इन लड़कों ने बनाया. मैं इतनी शैतान थी नहीं और मैं, मतलब मैंने अभी तक जितनी फिल्म्स की हैं मेरे को एक्टर्स के साथ ना, मैं इतना नहीं, मतलब आई वॉज वेरी प्रोफेशनल, काम किया और अपना आ गए, बट इनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. इन लोगों ने मतलब मुझे एक्चुअली वो जो रिजर्व्ड थोड़ी सी मैं थी ना, वो रिजर्व्ड होता क्या मुझे वो भी नहीं मालूम एंड नाउ तो आई टॉक अ लॉट. तो रियल लाइफ में मैं एकदम डिफरेंट हूँ, एकदम टॉमबॉयश हो गई हूँ. वो पर्सनैलिटी मुझे अपने अंदर से पता नहीं थी, लेकिन लोगों के साथ बैठ के मुझे पता लगा कि नहीं, एक्चुअली मैं ना लड़की हूँ नहीं, मैं मतलब लड़की सिर्फ दिखती हूँ, लड़कों की तरह बिहेव करती हूँ. ओके, एक डेब्यू पर्सन को एक बॉलीवुड में आने वाले बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही मेहनत मुतशर करनी पड़ती है. तो आपको क्या मतलब किस किस दौर से गुजरना पड़ा था? हाउ यू गॉट दिस मूवी? एक पंजाबी फिल्म में एडिटर थे हमारे मुकेश जी, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था जयेश सर को जो डायरेक्टर हैं एंड ये लोग 2 साल से ऑडिशन कर रहे थे लीड के लिए और कह रहे थे बहुत लड़कियां हमने देखी, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, बहुत टैलेंटेड भी थी, लेकिन कुछ मिसिंग था उनमें, ऐसा उनको लगा, एज इन वो कैरेक्टर उनको जो चाहिए था. सो दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी इनोसेंस लुक जो मतलब यू नो कन्विंस कर पाए कि या शी इज़ लाइक दैट. तो वो जयेश जी को पहले दिन ही लगा मुझमें जब मैं मीटिंग करने गई एंड ही इज़ लाइक या ये शीतल हो सकती है, लगती है, जबकि मैं बहुत बातें बातें कर रही थी. एंड देन सेकेंड मीटिंग में उन्होंने, सेकेंड मीटिंग के लिए उन्होंने बोला कि हम नरेशन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग हो जाएगी, आप फिर देख लो. तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग किया, मुझे इतना मज़ा आया, मुझे सुन के ही इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसी टाइम बोला कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट द फिल्म. मैंने ऑडिशन तक भी नहीं दिया इसमें. ओके, नॉर्मली हम देखा जाते हैं कि पहले ट्रेलर लॉन्च होता है फिर सॉन्ग लॉन्च होता है, पर इसमें कुछ उल्टा ही है, पहले सॉन्ग लॉन्च किया गया उसके बाद ट्रेलर लॉन्च किया गया. कोई स्पेशल पर्पस? स्पेशल पर्पस ट्रेंड चेंज किया और वो कभी ना कभी होना ही था एंड आई थिंक वो हमारी फिल्म से हो गया. कुछ डिफरेंस मतलब यू नो कोई नई चीज़ की है इन्होंने और आई थिंक वो वर्क भी कर गई बिकॉज पहला गाना वरुण श्रद्धा का आया, देन बादशाह हत्या का आया, देन यू नो ट्रेलर आया, उसके बाद फिर दूसरे गाने. तो वो ना सस्पेंस और वो क्यूरियोसिटी बन जाती है कि अच्छा फिल्म में क्या होगा. यू नो गाने हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, गाने भी मतलब सुपर हिट हुए हैं. सो आई थिंक दैट वर्कड फॉर अस. ओके, ये मूवी में एक रीमेक भी सॉन्ग किया गया है अम्मा देख करके. बहुत से जन का ऐसा मानना है कि रीमेक करने से जो ओरिजिनलिटी रहती है वो नहीं रहती अब, तो आपका क्या मानना है इस पे? आई थिंक इट डिपेंड करता है, मतलब सब लोगों का सेम नहीं होता है. कुछ लोगों में रीमेक बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं, बट डिपेंड करता है ऑडियंस पे. पर थोड़ा बहुत चेंजेस तो हर किसी को चाहिए. आप सेम चीज़ भी कितनी बार सुन लोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कभी कभी ना वो सेम चीज़ इतनी अच्छी लगती है. सो इट डिपेंड्स. ओके, इन जनरल में पूछना चाहूँगा, बहुत से एक्ट्रेस हैं जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आए, आपके हिसाब से ऐसा कोई जो बॉलीवुड से पंजाबी फिल्म में आप देखना चाहें? बॉलीवुड से पंजाबी में देखना चाहूँ, आई थिंक आई वुड लव टू सी रणबीर कपूर. और इन एक्ट्रेस? एक्ट्रेस
एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ओके रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि आपको बहुत से जन को अलग अलग सारे जन से काम करना होता है मूवी इंडस्ट्री में, बट आपने एक ही स्पेसिफिक नाम लिया इम्तियाज अली का। जी बट स्पेसिफिक ऐसा कोई रीजन इम्तियाज अली ही क्यों? क्योंकि वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर है और उनकी उनकी जो फिल्म मेकिंग है, आई डोंट नो बहुत लोगों को समझ कितनी आती है कितनी नहीं, बट मुझे उनकी सारी फिल्म्स बहुत पसंद है। वो एक सिंपल सी स्क्रिप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं एंड मुझे उनकी मैक्सिमम सारी फिल्में मतलब बहुत अच्छी लगती है, मैंने दो दो तीन तीन बार देखी हैं। सो आई लव द वे ही यू नो ही एग्जीक्यूट द लव स्टोरी एंड लव स्टोरीज में आई थिंक ही इज द किंग आई फील। ओके ये तो डायरेक्टर की बात हुई, एक्टर या एक्ट्रेस किसके साथ आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर? सलमान खान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी मैं बहन का भी रोल कर लूँगी। और एक्टिंग में मतलब मैं वैसे बोलूँ तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी मैम, मैं इन सब की फ़ैन हूँ। सो आई वुड लव टू वर्क विद देम। कंगना यू नो कि इतना अच्छा और इतना नेचुरल कैसे कर लेते हैं वो। ओके फाइनली आपकी मूवी 27 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहिए लोगों को, अपने फैंस को, दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो मैं नई आई हूँ और प्लीज़ मुझ पे थोड़ा तरस खाओ और 27 जुलाई को नवाबजादे देखो। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू थैंक यू।